क्यूबा कोई पिंग नहीं है। इससे पहले हमारे साथी भाई भोलाराम तूफानी ने कहा है कि युवा एक रीढ़ की हड्डी होती है। आप सभी को पता है कि जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जवाना चलता है। सभी लोग अपना आज हम लोग मुजफ्फरपुर जो जिला टीम है मुसहरी प्रखंड में युवा राष्ट्रीय जनता दल का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें हम लोग आए हैं और बहुत जो कार्यक्रम हुआ बहुत देख के खुशी हुई कि यहाँ पे हमारे जितने भी पंचायत स्तर तक जो हमारे अध्यक्ष है और जो कार्यकर्ता है वो पार्टी को मजबूत करने का संकल्प यहाँ पर लेकर जो है पंचायत स्तर तक जाएंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे ताकि आने वाला समय जो है तेजस्वी यादव जी का पूरे बिहार में उनका जो है डंका बजे। क्या नाम है अपना? नितेश यादव, जिला अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय नेता दल मुजफ्फरपुर। इस पे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? आज जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज जो ये बैठक हुई या युवा के तरफ से जो बैठक रखा गया अपने प्रखंड स्तरीय मुसहरी के, हम युवा के तमाम साथियों को जिला राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम बधाई देना चाहते हैं कि लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के लोगों को जोड़ने का और उसको एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं क्योंकि युवा जो हमारे जो अभी नेता विरोधी दल के हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने चुनाव में कहा था कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे जब हमारी सरकार बन जाएगी। उसी के कड़ी में आज युवा राष्ट्रीय जनता दल बैठक को और ज़्यादा धारदार बनाना चाहती है कि युवा कटकटी लगाए बैठा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार होती तो आज हम लोग को रोजगार मिल गया रहता, नौकरी मिल गया होता। लेकिन आज नीतीश जी जो डबल इंजन की सरकार है इसमें लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए युवा संगठित हो रहा है और आगे इससे बड़ी लड़ाई होने वाली है बिहार में, इसीलिए हम लोग संगठित हो रहे हैं। सर अपना नाम क्या हुआ? रमेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर। जो आपको दिखाता है सच का आईना।